जो हर किसी की जुबान पर है, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार है ऐश्वर्या। साल 2007 में ऐश्वर्या की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हुई, जिसके बाद 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम रखा आराध्या। लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का ऐश्वर्य कम नहीं, बल्कि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा। ऐश्वर्या ने ना केवल इस बीच बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी दस्तक देकर जता दिया कि आज भी उनका ऐश्वर्य बरकरार है। करीना कपूर खान। करीना और सैफ की शादी 2012 में हुई थी। बॉलीवुड में जब अपने करियर की ऊंचाइयों को करीना छू रही थी, तब वो मां बनी। करीना ने बेटे तैमूर को जन्म दिया, लेकिन तैमूर के होने के बाद भी वो अपने फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट रही, और यही वजह है कि करीना आज की एक्ट्रेसेस को भी तगड़ी टक्कर दे रही हैं। शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की फिटनेस का हर कोई कायल है। साल 2009 में राजकुंद्रा से शादी करने वाली शिल्पा साल 2012 में एक बच्चे की मां बनी। हालांकि मां बनने के बाद वो फिल्मों में कम ही दिखाई दी, लेकिन अपनी फिटनेस को जो उन्होंने शेप दी, वो आजकल की लड़कियों के लिए प्रेरणा देने लायक है। काजोल। बॉलीवुड की बंगाली बाला काजोल ने साल 1999 में एक्टर अजय देवगन के साथ शादी रचाई। 2003 में काजोल पहली बार मां बनी थी। बेटी का नाम रखा गया न्यासा। न्यासा के जन्म के 7 साल बाद काजोल ने बेटे युग को जन्म दिया। लेकिन काजोल का टैलेंट उनके मां बनने पर भी दबा नहीं, बल्कि और उभर कर सिल्वर स्क्रीन पर झलका। मां बनने के बाद भी काजोल ने फना, दिलवाले और माय नेम इज खान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। मलाइका अरोड़ा खान। साल 1998 में अरबाज खान से शादी करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान साल 2002 में मां बनी। मलाइका ने अपने बेटे का नाम रखा अरहान। फिल्मों में मलाइका चाहे ज्यादा ना रही हूँ, लेकिन अपने फिटनेस और आइटम डांस से उन्होंने सभी को अपना दीवाना बनाया। हालांकि कुछ समय पहले मलाइका और अरबाज ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था, जिस खबर को सुनकर हर कोई हैरान था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।